इस हेड पर आज हम यहाँ उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं और साथ ही हम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मोहतरम रविंदर रेहरा साहब और अशोक कोल जी को जम्मू की थंबिक जीत पर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? देखिए ये नैरेटिव जो पहले ही सेट था कि अब की बार खानदानी पॉलिटिक्स उसको डिफीट दे रहा है, मैं इंजीनियर रशीद साहब को उनकी जीत पे मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन साथ साथ इस बार जो कश्मीर के लोगों ने फैसला किया कि दो खानदानों को मुफ्ती और अब्दुल्ला को उन्होंने हरा कर ये जता दिया कि अब खानदानी राज यहाँ चलने वाला नहीं है। क्या लगता है? वो देखिए बैंत की बात है, जिसने जो खता की होगी उसको उसी हिसाब से सजा मिलेगी, जेल और मिट्टी ये दूसरी बात है। जो जिसने जो खता किया भारतीय जनता पार्टी का आतंकवाद के खिलाफ हमेशा जीरो टॉलरेंस रहेगा और आगे भी रहेगा। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने आज मेजोरिटी की जितनी भी सीट्स है अभी भी पोलिंग हो रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत से सरकार यहाँ पे बनेगी। उसमें हमारे जो एनडीए के पार्टनर्स है उनको साथ लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तीसरी टर्म में और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है जम्मू कश्मीर का, भारतीय जनता पार्टी की जोली में दो सीटें आई है जम्मू से। जहाँ तक ताल्लुक है कश्मीर का, मैं आपको कह दूँ कि कश्मीर में भी हम सेलिब्रेट इस चीज़ का कर रहे हैं कि फॉर्मर सीएम्स चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो या कोई और हो, उनकी हार आज हम उसकी खुशी मना रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि तीन परिवारों को छोड़ के, तीन पार्टियों को छोड़ के आप किसी को भी वोट डालिए, आज लोगों ने उन डायनास्टी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया है। उसकी सेलिब्रेशन आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि उमर अब्दुल्ला साहब महबूबा जी आज उनकी हार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। अगर हम बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे तो वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जो है एक फॉर्मर सीएम को हराया है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए डेमोक्रेसी की जीत है। मैं आपको कह दूं कि डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि कोई जेल है और उसको इलेक्शन लड़ने के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोग दावा करते थे ईवीएम्स का, अगर ईवीएम्स के माध्यम से ये चीज़ होती तो सजा साहब या कोई और साहब जीत लेते। लेकिन इंजीनियर रशीद का जीतना हम ये कह सकते हैं कि लोगों को उस पर एतमाद था, डेमोक्रेसी पे विश्वास था, उन लोगों ने वोट किया और आज डेमोक्रेसी को मजबूत कर लिया और भारतीय जनता पार्टी उस